सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। एक बार अपने सभी ग्रुपों में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो भाई करना ही करना है। दूसरा, यदि आप पीटीआई की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको कंप्लीट मैटर चाहिए तो संकल्प ऐप गंगानगर पर जाकर ई बुक में आप ऑर्डर कर सकते हैं। 5 से 7 दिन में आपके घर मैटर पहुंच जाएगा, 18 बुकलेट पूरी की पूरी। यदि आप पीटीआई ऑनलाइन कोर्स चाहते हैं तो हमारे चैनल से आप ऐप पर आकर, संकल्प ऐप पर आकर वहां से आप परचेज कर सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड का, सेकंड ग्रेड का, रीट मेंस का, एलडीसी, सीईटी सभी ऑफलाइन क्लासें भी है, ऑनलाइन भी है। तो आज लेके आया हूं जो टॉपिक, वो बहुत शानदार टॉपिक है और एक पर्सन यहां से पक्का आता है। अब बात यह है कि आपको कितना अच्छा याद रहता है। बार बार दोहराइए, विश्व धरोहर सूची के ऊपर है राजस्थान में सर्वप्रथम। अगर आपसे कोई पूछे कि राजस्थान में सर्वप्रथम विश्व धरोहर सूची, भाई राजस्थान में सबसे पहले विश्व धरोहर सूची में किसे शामिल किया गया, तो केवला देव राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया था। राजस्थान में सर्वप्रथम विश्व धरोहर सूची में केवला देव राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया था विश्व धरोहर सूची में। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान कहां है, तो आप सबको पता है ये भरतपुर में है। इसे विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया, 1985 में शामिल किया। एक और प्रश्न इसके ऊपर आपसे कल को पूछा जा सकता है कि केवला देव जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसे रामसर साइट में कब शामिल किया था। इसे रामसर साइट का दर्जा मिला था 1981 में। जब इसे विश्व धरोहर सूची का दर्जा मिला 1985 में, तब तो इसे किसमें शामिल किया था, विश्व धरोहर सूची में। लेकिन जब इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला 1981 में, तभी इसे रामसर साइट का दर्जा मिला 1981 में। पहला रामसर साइट राजस्थान का कौन सा है, केवला देव है। दूसरा सांबर है। पहला विश्व धरोहर सूची में केवला देव है। फिर उसके बाद कि 2010 में किसे रामसर ये विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, तो याद रखिएगा कि 2010 में राजस्थान में दो विश्व धरोहर सूची में शामिल हुए। एक तो जयपुर के जंतर मंतर को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, और यह भारत की 23वीं धरोहर है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भारत की कौन सी धरोहर थी, ये भारत की 23वीं धरोहर है, 23वीं धरोहर। राजस्थान का पहला विश्व धरोहर सूची में शामिल केवला देव, दूसरा जयपुर का जंतर मंतर, और 2010 में कालबेलिया नृत्य को भी कब शामिल किया गया, 2010 में। 2010 में जयपुर का जंतर मंतर शामिल हुआ था। जयपुर का जंतर मंतर भारत की 23वीं धरोहर है, यह भी याद रखिए। 2013 में राजस्थान के 6 पहाड़ी दुर्गों को शामिल किया था। अब ये 6 पहाड़ी दुर्ग कौन कौन से हैं भाई, चिक्कू गाजराम है, मतलब ये है चित्तौड़ दुर्ग, दूसरा कुंभलगढ़ दुर्ग, दोहराते रहिए बार बार मेरे साथ, मैं कहता हूं 1% पक्का है, तीसरा है गागरोन दुर्ग, चौथा है जैसलमेर दुर्ग, फिर उसके बाद रणथंबोर दुर्ग, फिर उसके बाद आमेर दुर्ग, फिर भी ना याद हो तो बोल दो चिक्कू गाजराम। कि राजस्थान के 2013 में कितने पहाड़ी दुर्ग शामिल हुए, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सीधा होता है कि 6 संख्या पूछी जाती है, या वो पूछेगा कि भाई इनमें से कौन सा पहाड़ी दुर्ग विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है, तो ये भाई चिक्कू गाजराम के अलावा कोई नहीं है। कभी कभी क्या होता है, जैसलमेर दुर्ग या वो सोनारगढ़ दुर्ग कर दे, तो बात एक ही है, याद रखिएगा जैसलमेर दुर्ग या सोनार दुर्ग, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। 2019 में जयपुर परकोटे को शामिल किया था 2019 में जयपुर परकोटे को शामिल किया था, को शामिल किया गया। बहुत शानदार प्रश्न है
कि कल को आ जाए कि अभी हाल ही में बताओ विश्व धरोहर सूची में किसमें किसे शामिल किया, जयपुर परकोटे को। पहला कौन है विश्व धरोहर सूची में, केवलादेव 1985। एक और शानदार प्रश्न आपको बता देता हूं कि अगर आपसे पूछे भारत का 40वां धरोहर विश्व धरोहर सूची में कौन शामिल हुआ था, तो धोलावीरा शामिल हुआ था। धोलावीरा, ये धोलावीरा कहां है, ये गुजरात में है। ये धोलावीरा है कहां, ये गुजरात में है। कल को पूछे किस सन में शामिल हुआ था, 2021 में शामिल हुआ था। 2021 में रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य को तो बाघ परियोजना का दर्जा मिला था और धोलावीरा को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। भारत का ये 40वां धरोहर बना था। और छोटा सा ही कंसेप्ट है, कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन एक प्रश्न तो आता है। जो लाइव देख रहा है उसको पता है कि भाई एक प्रश्न पड़ता है यहां से। राजस्थान में सबसे पहले विश्व धरोहर सूची में 1985 में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया था, 2010 में दो को शामिल किया, जयपुर के जंतर मंतर को शामिल किया, कालबेलिया नृत्य को शामिल किया। 2013 में छह पहाड़ी दुर्गों को शामिल किया गया था। अगर याद रखना हो तो बोल दो चिक्कू, गाजर, आम, चित्तौड़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, गागरोन, जैसलमेर, रणथंबोर, आमेर दुर्ग। 2019 में किसको शामिल किया, तो जयपुर के परकोटे को शामिल किया। भारत का 40वां धरोहर किसे शामिल किया गया, धोलावीरा गुजरात को शामिल किया गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अच्छे से कमेंट जरूर करना, लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।